अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। चलिए आज हम क्या बनाने जा रहे हैं। रोज रोज का यही मसला रहता है ना, हमको लगता है हर औरत का यही मसला रहता है, भाई आज क्या बनाना है ना। तो आज हम स्पेशली बनाने जा रहे हैं कॉलीफ्लावर यानी गोभी, ठीक है, जिसको हमारी इंडियन लैंग्वेज में गोभी ही बोलते हैं। अब हमें पता नहीं आपके मुल्कों में क्या बोलते हैं ना, हमारी लैंग्वेज में इसको गोभी ही बोलते हैं, ठीक है। और वैसे स्पेशली इसको कॉलीफ्लावर बोलते हैं। इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए एक मीडियम साइज का कॉलीफ्लावर था, समथिंग हाफ केजी होगा। इसको हमने इस पीसेस में, इस शेप में कट किया, मीडियम कट है ये, ओके। फिर इसके लिए हमें चाहिए एक टमाटो और उसमें 3 कलियां हमने गार्लिक की शामिल की हैं। इसका क्या करना है वो हम अभी आपको बताएंगे। फिर हमको चाहिए 1 टी स्पून रेड चिली पाउडर। ये राइस का फ्लोर मतलब आटा है, राइस का आटा जो हम स्पेशली घरों में यूज करते हैं वो है, इसको हम इनमें यूज करेंगे स्पेशली। ये बहुत ही लाजवाब बनती है। और ये सॉल्ट टू टेस्ट, सिर्फ 5 इंग्रेडिएंट्स हैं और ये रेसिपी आप एक बार ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह से आप लोग को बहुत पसंद आएगी। और ये है हमारा जीरा, और ये है ब्लैक पेपर यानी काली मिर्चें। अब हमने क्या करना है कि ये जो टमाटर है और 3 कलियां हमने गार्लिक की ली है, इसका हमको एक बारीक पेस्ट चाहिए। इसमें इस तरीके से हम ये जीरा और अपना ब्लैक पेपर भी इसी के साथ शामिल कर देंगे और इसकी एक प्यूरी तैयार करके आपको मिलते हैं। ये देखिए हमने इसकी प्यूरी तैयार कर ली है। अब क्या करना है आगे आपको हम बताते हैं। चलिए गैस की तरफ। अब देखिए आप एक खुला पैन लेना है आपको, जो कि खुला हुआ हो, आपकी जो गोभियां हैं वो आपस में चिपके ना, ठीक है। इस चीज का मेन, इस डिश को बनाने के लिए आपने ध्यान रखना है। इसके लिए आपने चाहिए 1 टेबल स्पून ऑयल, 1.5 भी आप कर सकते हैं, क्योंकि गोभियां ऑयल को अपने अंदर सोखती हैं और ज्यादा लेती हैं, ठीक है। तो आप, हम 1.5 यूज कर रहे हैं, आप अपने हिसाब से देख लीजिए। फिर आपको इस ऑयल को हीट होने देना है, कम से कम 5 मिनट्स हीट हो जाए, उसके बाद फिर हम बताते हैं कि आपने क्या करना है। गोभी हमारी, ये टमाटर गोभी बहुत ही अच्छी और लाजवाब सी तैयार होती है। आप लोग एक बार अपने घरों में जब तक ट्राई नहीं करेंगे तो आप लोगों को पता नहीं चलेगा, इसलिए रिक्वेस्ट है कि ट्राई करें और देखें कि कैसी बनती है ना। गोभी वगैरह वैसे भी इतनी कोई नहीं पसंद करता है, तो आप इस तरीके से बना के देखेंगी, बेशक बंदे खाएंगे और पसंद भी करेंगे। हर कोई का एक चीज खा खा के ना बोर हो जाता है ना। तो ये देखें, आपने इसमें हमने शामिल की अपनी गोभियां यानी कॉलीफ्लावर। फिर बोल रहे हैं आपको बर्तन ऐसा चाहिए जो गोभियां आपस में चिपके ना, हमको इनका कलर बिल्कुल रेडनेस वाला चाहिए, ठीक है। इसको आपको तब तक पकाना है जब तक ये गोभियां अपना वाटर रिलीज ना कर ले और इनका कलर ना चेंज हो जाए, तब ये हो जाती है। फिर हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए अब इसकी शक्ल क्या है, इस तरीके की आपकी भी गोभियों की शक्ल निकल कर आनी चाहिए। इस तरीके से हमें ये गोभियां पूरी फ्राई होनी चाहिए इस ऑयल में। अभी हमने इसमें, आपने पहले भी देखा, हम फिर बता रहे हैं, इसमें हमने कोई भी मसाले शामिल नहीं किए हैं, ठीक है। अब किस कंडीशन में आपने गोभियों में मसाले शामिल करने हैं वो हम आपको बताते हैं। इस कंडीशन में अगर आपको लग रहा है कि आपकी गोभियां वाटर रिलीफ नहीं कर पाई हैं, तो आपने इसमें सॉल्ट ऐड करना है और 5 मिनट्स के लिए और फ्राई कर लेना है। अगर लगता है हमारी हो चुकी है तो हम इसको और फ्राई नहीं कर रहे हैं। और फिर इसमें हमने जो टमाटर की और मसालों की प्यूरी बनाई थी, ब्लैक पेपर, जीरा, टमाटर, गार्लिक का पेस्ट, इसमें आपको शामिल करना है। और अब आपको इसको तब तक पकाना है जब तक ये गोभियां पूरी पक ना जाएं, ठीक है। उसके बाद क्या करना है वो हम आपको बताएंगे। ये देखिए
ये गोभियां तब तक पकानी है आपने जब तक ये ऐसी ना हो जाए। देखिए जो हमने टमाटर की प्यूरी, गार्लिक और अपना जीरा और ब्लैक पेपर शामिल किया था, उसके बाद आपने इसको इतना पकाना है। देख लीजिए इस तरीके की हो जानी चाहिए, ये बिल्कुल पक चुकी हैं। अब इस स्टेज में हम इसमें शामिल करेंगे अपनी ये रेड चिली। रेड चिली हम पहले नहीं शामिल करेंगे क्योंकि एक कलर जो निकल के आता है ना चिलियों का, वो अच्छा लगता है ना, तो फिर बस इसलिए हम इसको अभी शामिल कर रहे हैं। और इसको शामिल कर अब के बाद हम इसमें डाल रहे हैं अपना ये राइस का आटा। बस अब ये आपको इसमें मिक्स करके कम से कम 5 मिनट्स के लिए पकानी है और फिर आपकी ये गोभी राइस, गोभी टमाटर बनकर रेडी हो जाएंगी। और माशाल्लाह से ये आप पराठों के साथ एक बार ट्राई करके देखिए, ये बहुत ही अच्छी और लाजवाब सी तैयार होती हैं। बस आपको ध्यान रखना है स्टेप बाय स्टेप कि कैसे क्या चीजें आपने यूज करनी। अब ये देखिए इसका कलर देखिए माशाल्लाह से, बहुत ही खूबसूरत सी और बहुत ही लाजवाब, यानी टेस्ट में भी नंबर 1 तैयार हो जाती है। बस इसको अभी आपको 5 मिनट्स पकाना है, गोभियों को टूटने ना दें, ऐसी खिली खिली गोभियां बनाएं। ठीक है, फिर हम मिलते हैं आपको डिश आउट करके। ये देखिए गोभी टमाटर बनकर हमारी रेडी हो चुकी है और डिश आउट हो चुकी है। तो हमें लगा हमको इसका डेकोरेशन टमाटर से ही करना चाहिए क्योंकि ये गोभी टमाटर है, कॉलीफ्लावर टमाटर रेसिपी हमारी। तो इंशाल्लाह से आप लोगों को पसंद आएगी, एक बार ट्राई कीजिएगा। और हमको याद करने का बस एक ही तरीका है कि जैसे आप हमारी डिश देखें उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बस इंशाल्लाह से हम आपके लिए अच्छी से अच्छी रेसिपी घर के सामानों से बनी लाते रहेंगे। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।